ओके सो कल हमने एक्टिविटीज एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ओके अभी अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन ऐसे हो जो हमें डिस्कस करने जैसे हो वो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे. सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखते हैं. चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन. अगर वही ब्रेक हो गई ओके तो क्या होगा, क्या लग रहा है क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ऑर्गेनल्स भी बाहर चली जाएगी एंड ओकेशनली सेल विल डाई. ओके सेल मर जाएगा, बस ऐसा ही लिखना है. क्या लिख रहे हैं, द कंटेंट्स ऑफ द सेल विल लीच आउट एंड सेल विल डाई. यस लीच आउट मतलब बाहर निकल जाना. ओके सो क्या हो जाएगा, कंटेंट सब बाहर निकल जाएंगे क्योंकि जो बाउंड्री है, जो सेल मेम्ब्रेन है वही टूट गई, वही रप्चर हो गई, वही ब्रेक डाउन, जस्ट लाइक हमारे टायर पंचर हो गई. ओके व्हीकल है हमारा, साइकिल बाइक, उसकी उसमें पंचर हो गया तो क्या होगा, अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाएगी, लाइक दैट. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड. मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन बनाता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वो बनता कहाँ है वो पूछ रहे हैं. करेक्ट ओके ईआर में बनता है, हमने देखा था. ओके ईआर में बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, और अगर उसमें भी अगर स्पेसिफिक बोलना हो तो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स में बनता है. ओके यस और वो राइबोसोम्स मतलब रफ एंडोप्लाज्म, वो कहाँ होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होंगे. और जो लिपिड है वो बनेंगे एसईआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके सो क्या लिखा है, यस द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस वॉट इज ऑस्मोसिस, सिंपल ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम अ रीजियन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजियन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, राइट, डिफ्यूजन ही है, लेकिन फिर हम इसको भी डिफ्यूजन बोलेंगे, जो पहले करते थे उसको भी डिफ्यूजन बोले तो मिक्स हो जाएगा. सो हम गैसेस के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं डिफ्यूजन, और लिक्विड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोसिस. अदरवाइज कहने का मीनिंग वही है, क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लूइड्स का जाना, किसका जाना, फ्लूइड्स का जाना. अब फ्लूइड्स कौन है, जो सॉलिड नहीं है, फ्लूइड्स है तो सॉलिड्स कौन नहीं है, गैसेस एंड लिक्विड्स. फ्लूइड्स में दोनों आते हैं, गैस भी फ्लूइड्स गिनाता है और लिक्विड भी फ्लूइड गिनाता है, मतलब हम गिनते हैं टेक्निकल टर्म में. अंडरस्टूड ओके चलो देन नेक्स्ट क्या है, हाउ डज एन अमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड. ये एक्चुअली हम 10th में पढ़ेंगे कि वो कैसे ऑब्टेन करता है. एक्चुअली वो एकदम रफ, हमारी एकदम रफ जो है उसकी सरफेस होती है, मतलब रैंडम ऐसी, सपोज ये अमोइबा है, उसका कोई फिक्स्ड शेप होता नहीं है. सो ये अमोइबा है. अब अमोइबा कैसे फूड बन कर दो ना थोड़ा बराबर ऐसे ही बहुत गर्मी है. सो ये जो हमारा अमोइबा है फूड कैसे गेन करता है, सपोज ऐसा समझ लो कि यहाँ पर फूड है. ओके तो वो क्या करेगा, वो अपनी सरफेस को फैलाएगा, एक्सटेंड करेगा एंड जस्ट इट एंगल्स, एंगल्स मतलब अंदर घेर लेना और स्वेलो कर जाएंगे. ओके तो ऐसे उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकलेंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे. तो ये सरफेस ऐसे बाहर निकला और यहाँ टू यहाँ हो गया, अब ये पूरा बॉडी में आ जाएगा और ये उसके अंदर आ गया फूड मॉलिक्यूल, और अब वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा. तो वो पूरी फिगर के साथ वर्किंग हमें समझना है, लेकिन वो क्लास 10th में है. इसको बोलते हैं वो जो मतलब खा जाता है उसको. ओके तो साइटोसिस भी बोलते हैं उसको, एंडोसाइटोसिस. ओके ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस. ये 10th में डिटेल्ड में आएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन गिवन है तो तुम एक मार्क में लिख सकते हो क्या, अमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. यस तो एंडोसाइटोसिस किसका नाम है, ये जो पहले बाहर था फूड और फिर वो गया और उसको ले लिया अपने अंदर और फिर उसको डाइजेस्ट कर रहा है, ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस. डन ओके चलो हाँ देन नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन सा है? बुक में ये एक क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? पता ही है हमें कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो एक्सप्लेन व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो वो दोनों में आंसर तो एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. जस्ट आई विल रीड, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज नोन एज एटीपी एंडो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट. ओके, इज रिलीज बाई द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. मतलब जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तभी ये एटीपी रिलीज होता है, और जब ये एटीपी रिलीज होता है वही क्या है, एनर्जी करेंसी है, हमने पढ़ा था. सो दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर ऑल सेल्यूलर केमिकल एक्टिविटीज. मतलब सेल में जो भी केमिकल एक्टिविटीज है वो इसमें होती है. डन. ओके, चलो. सिंस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस दिस एनर्जी इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. और माइटोकॉन्ड्रिया ही ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. दैट्स इट. चार पॉइंट हो गए, बस बहुत हो गया दो मार्क के लिए. देन और एक क्वेश्चन है. यस, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है. क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल. सेल की लाइफ क्या होगी कब, इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस. मतलब अगर गोल्गी एपरेटस है ही नहीं तो क्या होगा. तो हमें क्या पता है गोल्गी एपरेटस क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, स्टोरेज करता है, दूसरा लाइसोसोम बनाता है, लाइसोसोम बनने में हेल्प करता है, एंड उसका मेन एक फंक्शन और भी है क्या, पैकेजिंग का. ओके, पैकेजिंग का. तो होगा क्या कि भाई स्टोर होगा नहीं, पैकेजिंग होगा नहीं, पैकेजिंग नहीं होगा तो ट्रांसफर भी नहीं होगा. मतलब कि ये जो ईआर में जो भी बनता है ओके, वो ईआर से आता है गोल्गी एपरेटस में. अब गोल्गी एपरेटस है ही नहीं या बिगड़ गया व्हाटएवर, तो होगा क्या कि पैकेजिंग होगा ही, पैकेजिंग नहीं होगा तो पैकेज डायरेक्ट जो रिसीव करने वाले हैं दूसरे ऑर्गेन, मतलब सेल ऑर्गेनल्स जो रिसीव करने वाले हैं वो केमिकल्स, वो ऐसे ही खड़े रहेंगे, वेट करते रहेंगे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन आएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि गोल्गी एपरेटस ने काम ही नहीं किया है, तो आएगा कैसे. ओके, तो होगा क्या, फंक्शन मतलब सेल फंक्शन करना बंद कर देगा. अंडरस्टूड. जो जो वो केमिकल्स जिस जिस ऑर्गेनल्स को चाहिए वो ऑर्गेनल्स गोल्गी एपरेटस से जो लेते हैं वो मिलेंगे नहीं, तो क्या कर देगा, सेल फंक्शन करना बंद कर देगा. और दूसरा, वो हेल्प करता है लाइसोसोम बनने में, तो अगेन लाइसोसोम भी बनेंगे नहीं. ओके, तो वही चीज हमें लिखनी है. यस, देखो क्या है, इफ गोल्गी एपरेटस आर नॉट प्रेजेंट इन द सेल द मटेरियल सिंथेसाइज बाई अदर सेल ऑर्गेनल्स will not be stored or packaged. और ये other cell organelles कौन है, ER. तो वो जो ER में बनेगा वो store और pack नहीं होगा. Yes. Then the dispatch of these substances will also halt. मतलब कि ये store और package करके dispatch करना है, लेकिन store और package हुआ ही नहीं तो dispatch होगा ही नहीं, और वो क्या होगा जाएगा, halt हो जाएगा. Halt हो जाएगा मतलब waiting में रख दिया है. Okay, कि जब बनेगा तब भेजेंगे, like that. This will result in halt word तो सुना होगा. Okay, HALT, halt. Halt मतलब wait करना, जैसे कि ट्रेन में भी होता है. Okay, ट्रेन में बोलेंगे कि भाई सपोज एक्सप्रेस जा रही है कोई, ओके, तो बोलेंगे कि भरूच पे 2 मिनट का halt है. तो मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, भरूच 2 मिनट के लिए वो गाड़ी रुकेगी फिर चली जाएगी, लाइक दैट. तो halt word वेटिंग के लिए और स्टॉपेज के लिए यूज होता है. So this will result in loss of function in other parts of the cell and also in other target regions of the body. अब वो तो है ही, क्योंकि उनको वो केमिकल मिलेगा ही नहीं, पैकेजिंग एंड ऑल नहीं हुआ है, तो फिर फंक्शन होगा नहीं. एंड लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विल ऑल्सो स्टॉप, क्योंकि हमने देखा था कि लाइसोसोम बनने में हेल्प करता है, तो वो बनेगा नहीं. ऑल दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इन दी सेल डेथ. भाई इतना कुछ हो गया, सेल ऑर्गेनल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, लाइसोसोम नहीं बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा. डन. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखो कैसे टेढ़ा करके पूछा है. चलो मान लो ऐसे पूछना होता डायरेक्ट पूछते कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस, लेकिन नहीं पूछा, यही क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा. तो जो तुम्हारे गोल्गी एपरेटस में तुम जो आंसर लिखने वाले थे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस, उसका जो तुम आंसर लिखने वाले थे, तुम्हें सिर्फ इसमें क्या लिखना है वही लिखना है, लेकिन ऐसा बोलना है कि ये सब नहीं होगा क्योंकि गोल्गी एपरेटस नहीं है, That's why वो फंक्शन नहीं करेगा. ओके, तो वही चीज है, इसे ही बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन. कंसेप्ट वैसे का वैसा ही रहता है, तो क्वेश्चन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ,
एक जैसे मैंने तुम्हें बताया था डिस्कशन के टाइम पे भी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस, ओके सो बहुत सारे डिफरेंस है, वो कितने मार्क्स का है डिपेंडिंग ऑन दैट यू राइट। अगर 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स लिखो, 3 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट जैसे लिख लो, ओके तो देखो मैं पढ़ता हूँ। द साइज ऑफ द प्लांट सेल इज लार्जर इन डायमेंशन, ये हमने देखा था प्लांट सेल लार्जर होते हैं और एनिमल सेल स्मॉलर होते हैं, ओके। सेकेंड, द प्लांट सेल इज कवर्ड ओवर बाय अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्युलोज, तो सेल्युलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है कहां पर, प्लांट सेल में, लेकिन हमें पता है एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल होती नहीं, डन ओके पता ही है। थर्ड पॉइंट, प्लांट सेल आर रिजिड, दे डू नॉट चेंज द शेप, तो प्लांट सेल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो शेप चेंज नहीं करते, बट हमारे सेल एनिमल सेल तो क्या है अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, भाई इनमें प्लास्टिक होता है तो जिससे कि क्या होगा फोटो मतलब उसमें प्लास्टिड्स में क्या होगा क्लोरोफिल होगा, और ये क्लोरोफिल क्या है फोटोसिंथेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल लिक्विड है, तो लेकिन ये एनिमल सेल में होगा नहीं। मान लो अगर कोई केस में एनिमल सेल में ये डेवलप हो गया सो फिर हम तो फोटोसिंथेसिस हम इन द सेंस वो एनिमल भी कर सकता है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, ओके तो अगेन नॉट दी रिलेटेड टू अवर टॉपिक बट पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, ओके ऐसे बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉसिबल है जो प्लांट के जैसे वर्क करे, ओके लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोल नहीं रहे कि मतलब ह्यूमंस ही होंगे, ओके कोई भी टाइप का एनिमल हो सकता है, पॉसिबल तो है। अगेन ये सब चीजें जितना तुम साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगे मतलब ज्यादा सपोज पढ़ोगे ज्यादा सपोज देखोगे, अभी तो वीडियोज भी बहुत सारे आते हैं तो तुम्हें ये नॉलेज बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ओके हाँ पढ़ने के लिए तो तुम्हें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बुक कब फेमस होती है कब पब्लिश होती है जब उसके ऊपर कुछ अच्छे से काम किया जाए, कोई भी ऐसे बुक पब्लिश नहीं कर देता, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोस होते हैं वो कोई भी बना के पब्लिश कर सकता है कोई भी कुछ भी, और वो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है मतलब वो जो बोल रहे हैं वो सही है वो किसने बोला, तो कोई कुछ भी बना रहा है ओके और कोई कुछ भी सब लोग देख भी रहे हैं और मान रहे हैं कि जो देख रहे हैं वो सच है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ओके ऐसा है नहीं कि हमें जो दिखता है वही सच है, हमें जो अच्छा लगे या हम उसको देखते रहे वैसा हमें दिखाया जाता है, ओके जैसा हम देखते रहे, जैसे कि देखो अच्छी इंफॉर्मेशन अब देखो न्यूज में आती ही नहीं है, ओके तुम न्यूज की क्वालिटी देखोगे तो उसमें सिर्फ 95% नेगेटिव पॉइंट्स होंगे 5% पॉजिटिव पॉइंट, ओनली 500 में से ओनली 5 मतलब 10 पेजेस अगर न्यूज़पेपर के है तो 9 पेजेस तो 9 to 9.5 पेजेस तो होंगे नेगेटिव इंफॉर्मेशन से, न्यूज़पेपर मतलब क्या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो क्या ऐसी फालतू नहीं बोलेंगे बट नेगेटिव ही शेयर करनी है पॉजिटिव भी शेयर करनी है ना, बट वो नहीं करते हैं, और होता क्या है क्योंकि क्यों ऐसा हुआ वो लोग क्यों ऐसा करते हैं पागल है वो लोग, नहीं कस्टमर की डिमांड ही वो है, कस्टमर की डिमांड ही वो है, अरे तुझे पता चला कल यहाँ पे ऐसा हुआ था, अरे मुझे तो नहीं पता चला, अरे यार पेपर में फोटोग्राफ के साथ आया है सब कुछ बताया है, मेरे पेपर में तो नहीं आया, ये पेपर बंद तुम्हारे घर कौन सा आता है, हाँ कल से हम वही चला रहे हैं लाइक दैट, ओके क्यों, क्योंकि हमें भी वो जानना है, तो तुम्हारे पेपर में वो नेगेटिव चीज नहीं आई वो अच्छा हुआ, लेकिन हमने उसको देखा नहीं उस नजरिए से और सोचा कि यार हमारे वहां तो ऐसे कुछ अच्छा खासा आता नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये बंद कर दो वो चालू करो, तो फिर होगा क्या, जितना ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी उतनी ज्यादा वर्ल्ड में नेगेटिविटी बढ़ेगी, जितना जो ज्यादा शेयर होता है वही बढ़ता है फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ओके सो हम क्या कर सकते हैं, हमें दुनिया को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट वी कैन डू फॉर आवर सेल्फ, वी कैन डू फॉर आवर होम, वी कैन डू फॉर आवर सोसाइटी, तो उससे भी वर्ल्ड चेंज हो जाए, वर्ल्ड चेंज होना मतलब हम भी तो वर्ल्ड में ही है तो हमें चेंज कर सकते हैं तो वर्ल्ड चेंज हो गया, ओके धीरे धीरे वर्ल्ड, ऐसे समझो एक एग्जांपल बहुत बार ऐसे देते हैं पर्टिकुलर लेक्चर में जो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल रिलेटेड होते हैं कि एक पूरा पॉन्ड है तालाब है, ओके वो
गंदे पानी से भर गया है, गटर से भर गया है, ओके, गटर के पानी से पूरा तालाब भर गया है। अब उसमें हम सोचेंगे यार ये तो गंदा पानी है, और हम क्या करते हैं, हम तो यूज टू है, हमें हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो हम वहीं से पानी लाते हैं और वही कंज्यूम करते हैं, ओके, तालाब वाला पानी जो गंदा है, ओके। तो अब बोले यार ये तो गलत है, अब हमें समझ में आया कि ये जो पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो तो गलत है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम वो कंज्यूम तो नहीं करेंगे, और साथ साथ में वही तालाब में तुम 1 कप और 1 ग्लास एवरी डे वो मिल्क डाल दोगे। क्या डाल दोगे? मिल्क। मिल्क तुमने तालाब में डाल दिया, अब हमें क्या लगेगा, अरे सर कॉन्सेंट्रेशन तो पढ़ा दिया आपने, ओके, तो मतलब गटर का पानी ज्यादा है और मिल्क कम है, तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है, मतलब ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। मिल्क के रिस्पेक्ट में देखे तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो कहने का मीनिंग ये है, अरे सर आपने तो मिल्क बिगाड़ा, ऐसा ही लगेगा, मिल्क बिगड़ा क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी नेगेटिव की है, और सपोज मिल्क पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की क्वांटिटी बहुत कम है, तो हमें लगेगा कि मिल्क बिगड़ा। लेकिन ऐसा समझो अगर हम वो रोज कर रहे हैं, हमें देख के हमारे घर के सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर एक घर को देख के हमारी सोसाइटी के आधे घर के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो धीरे 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 टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और गटर के पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और फिर वही हम कंज्यूम करने वाले हैं, हम कंज्यूम वही कर रहे हैं। तो पहले हम कंज्यूम कर रहे थे, उसमें हम अनजाने में गलत चीज अपने अंदर डाल रहे थे, अब हम कॉन्शियस हो गए हैं, तो अच्छी है तो जाने दो, नहीं अच्छी है तो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, अंडरस्टूड, सो दैट वी हैव टू टेक केयर। चलो, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये भी हमने देखा था कि वैक्यूल बहुत बड़े साइज में होते हैं, कहाँ पे, प्लांट सेल में अराउंड 50-90% वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एंड लार्ज वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल, वैक्यूल्स होते हैं लेकिन लार्ज वैक्यूल्स नहीं होते हैं एनिमल सेल में। न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड ड्यू टू द वैक्यूल्स, दस इट इज पेरिफेरल, मतलब कहीं पे पेरिफेरल में होता है न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ओके, सेंटर में ही होता है। लाइसोसोम्स प्लांट सेल में नहीं होते हैं, बट एनिमल सेल में लाइसोसोम्स होते हैं, याद रखना प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, ओके, क्योंकि वहां पे ईआर एंड ऑल ऐसा नहीं, हमारे सेल अलग है, उनके सेल अलग है, ओके, जैसे हमने एक डिफरेंस तो पढ़ा ना सेल वॉल का, कॉमन सिर्फ तीन ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन है, क्या, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यही तीन चीजें एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे ज्यादा कॉमन है, बाकी सब चीज हम बोल नहीं सकते कि कॉमन है, डन, ओके, सो लाइसोसोम नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स डू नॉट बर्स्ट व्हेन कैप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू सेल वॉल, ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाइपोटोनिक में पानी अंदर जाता है, श्योर, सोच लो, उसमें पानी कहा जाता है, अंदर जाता है, ओके, और अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ओके, और हाइपरटॉनिक में बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो श्रिंक होगा, और श्रिंक होगा तो छोटा, हाइपर छोटा, हाइट पर छोटा दिखता है, वैसे बोला था। सो क्या बोल रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम प्लांट सेल को रख दे, मतलब पानी कैसे जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा, मतलब बाहर ज्यादा पानी है, मतलब सॉल्यूशन ज्यादा है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा, डाइल्यूट होगा, पानी ज्यादा होगा उसमें तभी तो अंदर जाएगा, अगर पानी कम होता तो बाहर नहीं आता, गुड, ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा मतलब पानी ज्यादा, ऐसा समझो ना पानी है, ओके, और से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो प्लांट सेल को वो सॉल्यूशन के अंदर रख दे, ओके, तो ज्यादा कुछ इफेक्ट होगी नहीं क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, तो वही चीज बोल रहे हैं, प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट, वो बर्स्ट नहीं होंगे व्हेन कैप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल है, दैट्स व्हाई वो बर्स्ट नहीं होंगे, लेकिन एनिमल सेल कैन बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और उसमें हमने एनिमल का सेल डाल दिया तो वो बर्स्ट हो सकता है, ओके, सिंपल, तो ये हमने टोटल 8 पॉइंट्स रीड किए, 8 पॉइंट्स, तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स एलोटेड हमें लिखना है,
डबल लिखना है, दो पॉइंट होंगे तो चार, मतलब दो मार्क्स होंगे तो चार पॉइंट, तीन मार्क्स होंगे तो छह पॉइंट, लाइक दैट, डन, ओके, चलो। सो ये हो गया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। तो पहला तो उसका डेफिनेशन ही लिख लो, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इज विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, के उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, दैट्स इट। फिर उसकी साइज, सो द साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स रेंज इज बिटवीन 1 to 10 micrometer, 1 to 10 micrometer, कल बताया था वो इंडेक्स क्वेश्चन में भी था, 1 micrometer इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 10 के पावर 6, फिर से पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ पहले ध्यान से देखो, अरे मैं तो कितना, 1 micrometer इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 10 to the power -6, करेक्ट, ओके, 10 to the power -6, अगर मैं उल्टा पूछता कि 1 meter is equals to how many micrometer, okay, तो क्या होता है, 10 की पावर 10 लाख, हाँ, तो 10 लाख और 10 की पावर 6 लिखते हैं, डन, प्लस 6 माइनस 6 कब लिखना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, जैसे कि हम लिखे कि भाई 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 2 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, तो उसके लिए भी वही आएगा 10 रेज टू 2, लेकिन क्या आएगा, माइनस 10, मतलब 10 रेज टू माइनस 2, हाँ, चलो। सो 1 टू 10 माइक्रोमीटर कल हमने ये देखा था इंडेक्स क्वेश्चन में, और उसमें 100 तक का था, सो द साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स रेंजेस बिटवीन 5 टू 100 माइक्रोमीटर। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस आर एब्सेंट, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स कुछ होंगे नहीं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, पर यहाँ पर तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे यूकैरियोट्स में, वो सबके स्पेसिफिक फंक्शन है। देन क्रोमोसोम इज सिंगल एंड एसोसिएटेड इन न्यूक्लियोइड रीजन, ये न्यूक्लियोइड रीजन कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, मतलब क्या, उसमें मेम्ब्रेन तो होती नहीं है न्यूक्लियस की, लेकिन न्यूक्लियस होता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब कितने को न्यूक्लियस बोलोगे वही नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई मेम्ब्रेन ही नहीं है, लेकिन वहां जो मेम्ब्रेन का मतलब जो न्यूक्लियस में होता है वो सब कुछ वहां होता तो है, क्रोमोसोम भी होता है, तो कहने का मीनिंग क्या है कि वेल डिफाइंड होगा नहीं, ओके, और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो बोला है ना क्रोमोसोम सिंगल तो है लेकिन कहां होगा, न्यूक्लियोइड में, मतलब कि जो लिक्विड दिख रहा है कि हाँ ये थोड़ा न्यूक्लियस का एरिया है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते एग्जैक्ट यही है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि यहाँ होगा, तो वो रीजियन और उसमें जो केमिकल, वो रीजियन और उसमें जो केमिकल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और उसी में होता है क्रोमोसोम, और कितने होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोमोसोम होते हैं, एंड क्रोमोसोम्स आर मोर देन 1 आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, किसमें, यूकैरियोट्स में, द क्लोरोफिल, हाँ, तो हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, हमारे बुक में मतलब तब नहीं दिया हुआ था, क्या बोल रहे हैं, द क्लोरोफिल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात चल रही है और क्लोरोफिल की बात चल रही है, सबसे पहले तो क्लोरोफिल तो प्लास्टिड्स में होते हैं, ओके, तो प्लास्टिड्स तो प्लांट सेल में होते हैं, ओके, तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, देखो एक्सेप्शंस है, जैसे कि पढ़ता हूं सुनो, द क्लोरोफिल इज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी है क्लोरोफिल, इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स, मतलब मेम्ब्रेनियस वेसिकल जिसमें मेम्ब्रेन हो वैसी बैग, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स, तो ये प्लास्टिड्स में प्रेजेंट नहीं होती है, कहाँ पे, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल है, सोचो एक बैक्टीरिया है उसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो बैक्टीरिया तो प्लांट नहीं है, बैक्टीरिया इज नॉट अ प्लांट, डन, तो कहने का मीनिंग क्या है, प्लांट नहीं है फिर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, ओके, जैसे हम एक बोलते हैं एल्गाई और से अल्गी, ओके, सो उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं और उसमें वो इट कैन डू फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, अंडरस्टूड, ओके, मतलब क्या, वो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉप्स आया था ना पहले,
मतलब पिछले स्टैंडर्ड में सब में आया था ना, सेवेंथ में, और हाँ. उसमें ऑटो ड्रॉप्स, हाँ या ना? हाँ. याद है ना? ओके, थोड़ा थोड़ा भी याद होगा, कोई बात नहीं, जहाँ ज्यादा की जरूरत होगी तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके हाँ चलो. सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स, यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया. लेकिन एक यूकैरियोट्स में तो द क्लोरोफिल इन यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट्स. ओके, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है? प्लास्टिड्स में. देन ओके, तो सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो उसका एग्जांपल है. दैट्स इट. ओके, इतने क्वेश्चन थे. और कोई क्वेश्चन बुक का है जो बाकी रह गया हो? देखो क्या बोल रहे हैं. टेक फोर पील्ड पोटेटो, हाफ हाफ लेने हैं, मतलब दो पोटेटो लो, उसके छिलके निकाल दो और फिर उसको काट दो. तो टोटल चार हाफ हो गए हमारे पास, एक में से दो, तो दो में से कितने हो गए? चार. ओके, तो ये ले लिए, ठीक है. एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटेटो कप्स. अच्छा, मतलब सब में से वो आइसक्रीम का स्कूप आता है ना, वैसे ही थोड़ा मटेरियल बीच में से क्या कर लो, स्कूप आउट कर लो. ओके, तो पोटेटो कप्स आ गए, पोटेटो कप्स. डन, समझ में आया करना क्या है? ठीक है, और आगे क्या करना है? वन ऑफ दिस पोटेटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटेटो. तो एक पोटेटो को क्या करना है हमें? बॉइल करना है और फिर उसका स्कूप बनाना है. लेकिन ये एक मतलब, एक पोटेटो मतलब कौन सा एक पोटेटो? एक पोटेटो है उसका आधा करेंगे तो दो हाफ्स हो जाएंगे. हम दो हाफ्स की बात नहीं कर रहे, हम एक हाफ की बात कर रहे हैं. एक हाफ टोटल हमारे पास कितने हाफ है? फोर हाफ्स है, उसमें से एक हाफ जो होगा वो बॉइल्ड होना चाहिए. डन, वो तुम पीलिंग करने से पहले बॉइल करो या बाद में बॉइल करो, बट बॉइल होना चाहिए. ओके चलो. Then put each potato cup in a trough containing water. मतलब एक ट्रे में रख दो, इन शॉर्ट जिसमें पानी भरा हुआ हो, चारों को उसमें रख दो. Then ठीक है, अब क्या करना है? पहला, keep cup A empty. भाई cup A जो था उसको empty ही रहने दो, ठीक है, एक को empty रहने दिया. Put one teaspoon of sugar in cup B. दूसरा अगर cup होगा उसमें क्या कर दिया हमने? वन टीस्पून क्या डाल दिया? सुगर डाल दिया. अच्छा ठीक है, तीसरे में वन टीस्पून का क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दी. तो सुगर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया. एंड चौथा जो बॉइल वाला पोटेटो था हाफ, उसमें क्या कर दिया? वापस हमने सुगर डाल दी. डन ओके. अब बोल रहे कि ऑब्जर्व करो. तो देखो सिंपली एक्टिविटी हमारी यहाँ पे एक्टिविटी टाइप ही क्वेश्चन है. तो क्या था, हमने दो पोटेटो लिए, उसको पील आउट कर दिया, उसके हाफ कर दिए, तो टोटल चार हाफ है, उसमें से एक हाफ को बॉइल कर दो. ओके, दैट्स इट. अब हमारे पास चार पोटेटो है और एक बॉइल्ड, मतलब थ्री पोटेटो एंड वन, थ्री नॉर्मल पोटेटो एंड वन बॉइल्ड पोटेटो है हाफ. ओके, और अब हम आइसक्रीम का कैसे स्कूप होता है, वैसे ही उसमें स्कूप आउट करते हैं, मतलब आसपास रहने देते हैं और बीच वाला मटेरियल निकाल देते हैं. देन चारों चार ऐसे हो गए. अब एक जो है उसको एम्प्टी रखो, दूसरा जो है उसमें सुगर डाल दो, तीसरा जो है उसमें सॉल्ट डाल दो, और चौथा जो बॉइल वाला है ना उसमें भी सुगर डाल दो, और ये सबको एक ट्रे में रख दो जिसमें पानी भरा हुआ है. डन, ये हमारी एक्टिविटी है. क्या होगा भाई, हम यहाँ पे टॉपिक कौन सा है वो तो तुम इजीली गेस कर सकते हो. टॉपिक कौन सा है? ऑस्मोसिस का टॉपिक है, क्योंकि पानी है, सॉल्यूशन है एंड ऑल, सो ऑस्मोसिस का टॉपिक है. अब क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं कि भाई एम्प्टी है वहां क्या होगा, बॉइल्ड है वहां क्या होगा, तो कुछ भी पूछे हमें तो पता ही है. ओके, जैसे कि एम्प्टी है, एम्प्टी है मतलब क्या? अंदर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बाहर पानी है, तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ऑस्मोसिस होता कब है? जब डिफरेंस हो. हाँ, जब डिफरेंस हो, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो. अंडरस्टूड. फिर बॉइल वाला है तो हमने तो पहले ही बोला कि जैसे हमने एक एक्टिविटी देखी थी रियो लीफ वाली, तो रियो लीफ को बॉइल किया था तो वो तो मर गई थी, उसके सेल्स तो मर गए थे. अंडरस्टूड, बॉइल करने से. तो अगर यहां पर भी हमने बॉइल किया तो पोटेटो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, पंचर हो जाएगी,
एंड वो फिर रहेगी नहीं, तो फिर कुछ भी ऑस्मोसिस होगा नहीं, क्योंकि वो तो मेम्ब्रेन थ्रू होता है ऑस्मोसिस। तो ये दो केस तो ऐसे ही पता है, और बाकी दो केस में पता ही है कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब पानी कम है तो पानी अंदर आने वाला है, दैट्स इट। ओके चलो, सो आई थिंक थ्री क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन दी होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। जो बी और सी है उसमें पानी आ गया, हमने अभी डिस्कस किया पानी क्यों आएगा, क्योंकि बी और सी में क्या किया था हमने, एक में सुगर डाला एक में सॉल्ट डाला, सुगर और सॉल्ट डाला और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है किसका, वाटर का, और बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर आएगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन हायर टू लोअर इन दी पोटेटो होलोड एंड कैप्ट इन बी एंड सी वाटर गैदर्स इन बोथ दीज कप्स देर आर सॉल्यूशंस ऑफ सुगर एंड सॉल्ट रेस्पेक्टिवली, हेंस दी वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन दी ट्रॉ एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन दी पोटेटो कप विल डिफर फ्रॉम ईच अदर, दिस कॉज ऑस्मोसिस बिकॉज पोटेटो सेल एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दिस कॉजेज द वाटर टू एंटर इन द पोटेटो कप्स। इन शॉर्ट ऑस्मोसिस होगा, घुमा फिरा के जितना लिखना हो उतना लिखो। ओके, हम भी मार्क्स जितने एलोटेड है उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट रखेंगे, लेकिन जितना भी कंटेंट तुम रखो हमारा जो मेन आंसर है वो उसमें होना चाहिए। ओके चलो, फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं कि Why is potato A is necessary for this experiment? भाई A क्यों necessary था? हमें पता चले ना कि कितना osmosis हो रहा है, क्योंकि A में तो कुछ होने ही नहीं वाला है। Okay, तो वही बोल रहे हैं। Potato A does not contain anything in its hollow. This potato acts as a control during the experiment to see osmosis. Osmosis कितना हो रहा है वो पता चले, इसलिए वो एक benchmark, एक reference, एक control का काम करेगा। Okay. फिर एक थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन दी हॉलोड आउट पोर्शन ए एंड डी। तो ए और डी में क्यों कुछ नहीं हुआ, ए तो खाली था, खाली था तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है ही नहीं, तो पानी आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि पानी कब आएगा अंदर और कब जाएगा बाहर, जब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है ही नहीं तो पानी अंदर बाहर आएगा। डन। ओके फिर तो फिर डी में क्या हुआ, उसको तो बॉइल किया था ना भाई, तो नहीं होगा, तो वही है। चलो, इन पोटेटो कप ए देयर इज नो वाटर, इन दिस देयर विल बी नो ऑस्मोसिस एज इट नेसेसरी टू हैव टू सॉल्यूशंस विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन फॉर द ऑस्मोसिस टू अकर। इन कप डी बॉइलिंग हैज किल्ड द सेल एंड हेंस देयर इज नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर द ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस। भाई बॉइलिंग किया तो सेल ही उसके खत्म हो गए हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन है ही नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। तो वही है सब कुछ। That's it. इसमें तो नहीं दिख रहा है, तुम कौन सा बोल रहे थे एक क्वेश्चन? Which type of cell division is required for growth and repair of the body and which type is required in the formation of cavities? हाँ, तो ये क्वेश्चन नहीं है। चार मार्क का है। फोर मार्क का है। So, with figure. Draw the label diagram eukaryotic, illustrate only plant cell, draw label diagram animal cell, figures. लेकिन इसका आंसर क्या होगा वो तो बताओ। सिंपल है, ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए माइटोसिस का होगा और फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियस के लिए मीयोसिस। करेक्ट, हमने ये तो पढ़ा ही था। ओके, कि माइटोसिस में ग्रोथ और रिपेयर होगा और जैसे रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होगी तभी ओवम और स्पर्म की जरूरत है। ओके, तो ओवम और स्पर्म जब इकट्ठा होंगे और तब जो फ्यूजन से इकट्ठा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब वो ओवम और स्पर्म को ही क्या बोलते हैं हम, गैमेट। ओके, उसको ही क्या बोलते हैं, गैमेट। तो वो कब होगा, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी के टाइम पर। तो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब क्या, सेल डिवीजन हो रहा है, ये भी सेल डिवीजन हो रहा है, वहां भी सेल डिवीजन हो रहा है, नए सेल बनना मतलब सेल को डिवाइड तो होना पड़ेगा। सो उसके लिए दो मेथड है, माइटोसिस है तो वहां पर ग्रोथ और रिपेयर का काम चल रहा है, एंड जो मियोसिस है वहां पर पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन एक्टिविटी
के लिए गैमेट्स बनाने का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए सेल डिवीजन से वहां पर गैमेट्स बनेंगे, तो वो होगा मियोसिस, पता ही है। फिर उसमें तुम फिगर हमारी जो है वो ड्रॉ कर लो। मेनली उसमें होना क्या चाहिए, मेनली तुम्हारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल में सेम होने चाहिए, किसमें, माइटोसिस में और मियोसिस में। डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, वही देखा था हमने। और जो डॉटर सेल होते हैं उसमें एक में से यहाँ पर दो बन रहे हैं माइटोसिस में, और वहां एक में से टोटल कितने बन रहे हैं, फोर बन रहे हैं, कहाँ पे, मियोसिस। जो बुक में फिगर है वही फिगर, लेकिन अगेन वैसे बुक में फिगर है मतलब उसमें क्या करना है, राउंड राउंड स्फीयर स्फीयर ही तो बनाना है, और बीच में इसमें ऐसे कहीं पे क्रोमोसोम्स दिखा दो। ओके, एग्जैक्ट बुक के जैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो स्फीयर दिखाना है, दैट विल एक्सप्लेन दैट इट इज अ सेल। डन, सिंपल, ओके। कोई डाउट अब ये चैप्टर में, तब हम पर्टिकुलरली वो डिस्कस करें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। है कोई डाउट, पक्का? काव्या, मीत, अभी तक जो समझा वो समझ में आया? ओके, हाँ वैशाली, अमी, सब समझ में आ गया? ओके ओके, तो हमारे यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो हमने वैसे भी तीन चैप्टर तो कंप्लीट किए हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटी और ये सॉल्यूशंस क्वेश्चंस देखे हमने, वो एक ही चैप्टर का किया है। सो नाउ वी विल डू फॉर द केमिस्ट्री।